गुलाबी सुंडी दे हमले नाल तबाह हुए नरमे की फसल के मुआवजे लिए भारतीय किसान यूनियन ने दिता विशाल धरना। अज बीकेयू एकता सिद्धूपुर होर जथेबंदियों वालों तलवंडी साबू के रविदास चौंक में नरमे की फसल गुलाबी सुंडी के हमले नाल नुकसान नरमे के मुआवजे लिए धरना लगा के सड़की आवाजाही ठप्प की गई तो भारी मीह भी धरना दिता गया। वख-वख जथेबंदियों के किसान आगुओं ने संबोधन करदिया कहा कि बठिंडा मानसा जिले जो कि नरमे पट्टी वजों जाने जाते हैं, किसानों ने पत्रकारों नाल गल करदिया दस्या कि माड़े बीज कारण गुलाबी सुंडी का हमला होया जिस कारण नरमे की फसल का भारी नुकसान होया है। सब कुछ जानदिया भी खेतीबाड़ी विभाग और प्रशासन चुप्पी धारी बैठा है। यूनियन के आगुओं ने संबोधन करदिया होया कहा कि सरकारों की मिली भुगत कारण कंपनियों के बीज माड़े दिते गए हैं जिन्हां करके भारी नुकसान हो चुका है। बहुत सारे पिंड 80 से 90% नरमे की फसल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन को हुक्म दिते वे कि किसानों नुकसान नरमे की फसल की गिरदावरी करवा के उन्होंने बनता मुआवजा दिता जाए। उन्होंने कहा कि किन्ना समा सरकार कोई ठोस हल नहीं लभदी उतों तक जारी रखेंगे। आखिर में सुखबीर कौर तहसीलदार ने धरने वाली थान पर जाके किसान आगुओं तो मंग पत्र लिया तो कहा कि हलका पटवारियों को गिरदावरी करने के हुक्म जारी किए हैं। नाल ही कल किसान आगुओं की डीसी बठिंडा नाल मीटिंग कराने का भरोसा दिता गया। इस पिछों धरना चुक दिता गया। धरने योधा सिंह नंगला, प्रगट सिंह संगत, गुरदास सिंह बैमन, गुरलाल संगत, हरभजन सिंह शेखपुरा, गुरमेल तुंग वाली ढिलों बठिंडा, बेअंत सिंह फुलोखारी आदि आगुओं ने संबोधन किया।